हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र महेश्वरी करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्री मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एम्स के बारे में। जी हाँ, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन से जुड़े किसी भी टॉपिक पर अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल के थ्रू हम हर संभव हेल्प आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक मिल जाए। अब हम बात करते हैं एम्स के लिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स अपने ग्लैमर और रेपुटेशन से हर मेडिकल एस्पिरेंट का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। एम्स दिल्ली के अलावा आज देश में 14 एम्स खुल चुके हैं और तेजी से मेडिकल कॉलेजेस की दुनिया में अपनी अलग साख बना रहे हैं। लेकिन नीट की प्रिपरेशन करने वाले बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल उठता है कि क्या एम्स एंट्रेंस एग्जाम एक टफ एग्जाम है? क्या एम्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स ही जा पाते हैं? क्या नीट की तैयारी करते हुए एम्स में जाया जा सकता है? कई स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या मैं एम्स में जा सकता हूं? जी हाँ, नीट की तैयारी करते हुए आप एम्स में जा सकते हैं। माय स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट पर जो टॉप मोस्ट प्री मेडिकल एग्जामिनेशंस हैं जैसे नीट, एम्स, इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी करवाने वाली बेस्ट फैकल्टी टीम के साथ काम करते हुए और करियर पॉइंट पर पढ़कर मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचने वाले हजारों स्टूडेंट्स की मेंटरिंग करते हुए मैंने एम्स के बारे में जो बारीकियां पाई हैं वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी नीट की तरह ही एक और एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। नीट से थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स ही एम्स जैसे कॉलेजेस में जा सके। ये एग्जाम नीट से डिफरेंट है। एक्चुअली ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें डिफरेंस क्या है। आप एम्स का सपना जरूर देखें और उसे पूरा करने के लिए सबसे पहले गहराई से इसे समझें। इसके साथ साथ मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि एम्स की तैयारी करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सबसे पहले नीट और एम्स में क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको बताता हूं। इस टेबल में आप देख रहे हैं मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। आप देखिए इस टेबल में सबसे पहले मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें नीट के लिए तो नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% का स्कोर लेना जरूरी है और साथ में इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। लेकिन एम्स के लिए खासतौर से ध्यान दीजिएगा, एम्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश भी, इन चारों का एग्रीगेट परसेंटेज 60% होना जरूरी है। जबकि नीट के लिए इंग्लिश सिर्फ एक कंपलसरी सब्जेक्ट सफिशियंट है और उसमें एग्रीगेट परसेंटेज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही काउंट किया जाता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन नीट में पेन पेपर मोड पर ही एग्जाम कंडक्ट होता आ रहा है जबकि एम्स ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और यूजुअली 4 डिफरेंट शिफ्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट होता आ रहा है। अगर एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी की हम बात करें तो नीट जो है ये तो कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा, जबकि एम्स कंडक्ट होता है एम्स दिल्ली के बाद दिल्ली के द्वारा एम्स दिल्ली इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। और कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में एम्स और जिपमेर के अलावा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, उन सब में एडमिशन अब नीट के थ्रू मिलने वाला है। और एम्स जितने भी हैं, जो भी मैंने बोला एम्स दिल्ली और इसके साथ साथ 14 और डिफरेंट एम्स यानी टोटल 15 एम्स, इनमें एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से आपको एडमिशन मिलेगा। जो कोर्सेज ऑफर होते हैं वो एमबीबीएस और बीडीएस, दोनों में एमबीबीएस और बीडीएस का ही इसमें कोर्स ऑफर किया जाता है। एग्जामिनेशन की जो प्रपोज्ड डेट्स हैं, नॉर्मली नीट का एग्जाम मई फर्स्ट वीक में कंडक्ट हो जाता है जबकि एम्स का एग्जाम नॉर्मली मई लास्ट वीक में कंडक्ट होता है। यानी लगभग 20 से 25 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम एम्स एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मिलता है। अगर रिजल्ट की हम बात करें तो नीट का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में नॉर्मली जो स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो मार्क्स स्कोर करते हैं वो मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स डिक्लेयर किए जाते हैं, टोटल मार्क्स डिक्लेयर किए जाते हैं और ऑल इंडिया रैंक साथ में शो की जाती है। जबकि एम्स एग्जामिनेशन में न तो मार्क्स डिक्लेयर किए जाते हैं और न ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट का स्कोर डिक्लेयर किया जाता है। इनफैक्ट वहां पर परसेंटाइल स्कोर डिक्लेयर किया जाता है और कैटेगरी वाइज रैंक्स बताई जाती हैं। तो ये एक ब्रॉड जनरल डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊं। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नीट एग्जामिनेशन 11 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है, इंग्लिश,
हिंदी, उर्दू, उड़िया, एसएमईज, तेलुगु, तमिल, ये सब लैंग्वेजेस में, गुजराती, ये सब लैंग्वेजेस में नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, जबकि एम्स केवल दो ही लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है, इंग्लिश एंड हिंदी। जी हाँ, अब मैं एक और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट पर बात करता हूं, और वो है कि इन एग्जामिनेशन के पैटर्न में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको एक और टेबल शो करता हूं। अब देखिए इस टेबल में, यहां पर मैं आपसे सबसे पहले ड्यूरेशन की बात करता हूं। एक बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों एग्जामिनेशन में है। नीट जो एग्जाम है ये 3 आवर्स का एग्जाम होता है, जबकि एम्स जो एग्जामिनेशन है ये 3.5 आवर्स का एग्जामिनेशन है। दोनों एग्जाम्स में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो नीट में कवर हो रहे हैं 180 क्वेश्चंस, यहां पर 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि एम्स एग्जामिनेशन में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे एक और बात करता हूं कि ये जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन का डिफरेंस है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस है, ये सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप इसका क्या है, तो आप इसको भी यहां पर देखिए। यहां देखिए आप, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में, नीट में तो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 45-45 इन ईच ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, और बायोलॉजी में, नीट में पूछे जाते हैं 90 क्वेश्चंस, जबकि एम्स एग्जामिनेशन में तीनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में ही 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि नीट एग्जामिनेशन में बायोलॉजी में स्टूडेंट काफी अच्छा स्कोर कर लेता है, लेकिन फिजिक्स में कई बार उसका स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पाता। फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बायोलॉजी के कंपैरिजन में जस्ट हाफ है नीट के लिए, तो लेकिन एम्स एग्जामिनेशन में बायोलॉजी का जो वेटेज है और जो फिजिक्स का वेटेज है वो इक्वल है। और ये एक मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन रहा है, मेजॉरिटी ऑफ प्री मेडिकल एस्पिरेंट्स फिजिक्स को लेकर थोड़ा सा एक फोबिया रखते हैं, एक फियर रखते हैं, लेकिन एम्स के केस में वो फोबिया मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों का वेटेज इक्वल है, जबकि नीट में बायोलॉजी का वेटेज फिजिक्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अगर वहां आपका फिजिक्स थोड़ा सा कमजोर भी रह गया तो आप नीट में बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन एम्स के लिए आपको अपने तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वल परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहां पर इस टेबल में देख रहे हैं, और वो है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग। जी हाँ, नीट में जीके एंड लॉजिकल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आता, जबकि एम्स एग्जामिनेशन में टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, 10 जीके से और 10 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग से। और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही स्टूडेंट्स के लिए काफी टफ साबित होता है, और उनकी अगर इसमें सफिशियंट प्रैक्टिस नहीं होती है तो वो एम्स एग्जामिनेशन को एक टफ एग्जाम मानने लग जाते हैं, लेकिन इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। पैटर्न की बात को और आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं हम, कि इसमें एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस तरह के पूछे जाएंगे, वो भी मैं अब आपसे बताता हूं। आप देखिए अब यहां पर इस जगह पर आप देख रहे हैं कि जो नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन का पूछा जाता है, 4 ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट होता है। जबकि एम्स एग्जामिनेशन में 200 क्वेश्चंस में से 140 क्वेश्चंस तो एमसीक्यू पैटर्न के ही होते हैं विद सिंगल करेक्ट ऑप्शन, लेकिन 60 क्वेश्चंस जो कि 30% वेटेज रखता है रीजन असर्शन के पूछे जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। 30% क्वेश्चंस रीजन असर्शन के क्वेश्चंस होते हैं, और रीजन असर्शन के क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है और उनका एक्यूरेसी लेवल यहां पर बहुत मैटर करता है। यही वो सेक्शन है जो एम्स में और नीट में स्कोर का डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि ये जो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस नीट में नहीं पूछे जाते, अगर आते भी हैं तो 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नहीं आते, जबकि एम्स में 60 क्वेश्चंस, 20 फ्रॉम ईच ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 30% पोर्शन इस वाले सेक्शन का बनकर। अब अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नीट में करेक्ट आंसर देने पर +4 मार्क्स दिए जा रहे हैं, जबकि एम्स में +1 मार्क ही मिल रहा है, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का जो रेशियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रिएट कर रहा है। नीट में 25% का नेगेटिव मार्किंग है, यानी गलत हो जाने पर -1 होगा, सही हो जाने पर +4 होगा, जबकि एम्स एग्जामिनेशन में सही होने पर +1 होगा और गलत हो जाने पर -1/3, यानी 33% का नेगेटिव मार्किंग का इसको वहां पर कंडीशन है, और इस वजह से गलती की पेनल्टी एम्स में ज्यादा है।
तो यहां पर ये एक और दूसरा बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है जिससे स्टूडेंट्स का एक्यूरेसी लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने निगेटिव होने वाले क्वेश्चन को कंट्रोल करे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस दोनों में ही 11th और 12th का जो सीबीएसई का करिकुलम है वो कवर किया जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के केसेस में। लेवल की अगर हम बात करते हैं तो लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एम्स का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हायर होता है और वहां पर आपको जरूरी होता है कि सब्जेक्ट पर कमांड और ज्यादा हो और वैसे भी रीजन असर्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज के रिक्वायरमेंट के बिना पूरे नहीं हो सकते, बिना उसको समझे कवर नहीं किए जा सकते। अगर मैं जीके और जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली करंट अफेयर्स पर, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस पर, रिसर्च पर, इन पर बेस्ड होते हैं। लास्ट एक साल के जो इवेंट्स हैं वो नॉर्मली इसमें कवर किए जाते हैं। इसके लिए आपका रेगुलर न्यूज़पेपर रीड करना और लास्ट में करंट अफेयर्स की बुक को देख लेना सफिशियंट होगा। जहां तक एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल थिंकिंग की बात है तो इसके लिए इसका जो लेवल होता है वो क्लास 10th के NTSE एग्जामिनेशन जैसा ही होता है। यानी आप अगर इसके लिए वीकली 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस भी करते हैं तो वो सफिशियंट होती है। रिमेम्बर माय डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी इज योर बेसिक बुक, नेवर इग्नोर एनसीईआरटी। ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है बट इट इज नॉट सफिशियंट। अ वेल डिजाइंड स्टडी मटेरियल सप्लीमेंट योर नॉलेज एंड गिव यू एन एक्स्ट्रा एज इन कॉम्पिटिशन। एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस इज असेंशियल। You need to solve more and more questions. Normally students क्या गलती करते हैं, NCERT तो पढ़ लेते हैं लेकिन questions के practice नहीं करते हैं। जब biology के questions में 4 options दिखाई देते हैं तो उन्हें उनमें से 2 या 3 options में similarity नजर आती है और confusion create होता है और कोई ना कोई mistake हो जाती है, उसकी penalty NEET में 25% देनी होती है और AIIMS में 1/3 का negative marking वहां पर आपको मिलता है। इसके साथ साथ एक और बात जरूरी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का लेवल एनसीईआरटी से ऊपर ही होता है और बायोलॉजी में भी एनसीईआरटी काफी हद तक कवर होती है लेकिन 20-30% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हायर कॉन्सेप्ट्स के या उससे बाहर की इंफॉर्मेशन से पूछे जाते हैं। हमने करियर पॉइंट का जो स्टडी मटेरियल है उसमें एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी यूज कर रखे हैं जो नॉर्मली नीट या एम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लेकिन वो एनसीईआरटी में कवर नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों ही थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए जो डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी आप सीखते हैं उसे प्रॉपरली क्वेश्चंस में यूज करना भी सीखना जरूरी होता है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट या फैक्ट आप पढ़ें तो उसका रीजन भी सर्च करने की कोशिश करें, यह आपको रीजन असर्शन वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। रीजन असर्शन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके लिए इसी YouTube चैनल पर करियर पॉइंट के बायोलॉजी डिपार्टमेंट के एक बहुत ही सीनियर फैकल्टी मेंबर डॉक्टर अमित गुप्ता, जिन्हें स्टूडेंट्स एजी सर के नाम से जानते हैं, उनका वीडियो भी अवेलेबल है, उसे आप जरूर देखें। वो वीडियो आपको रीजन असर्शन के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा और आपके एक्यूरेसी लेवल को 100% तक ले जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एम्स एंट्रेंस एग्जाम को जानने में बहुत हेल्प मिली होगी। इसी तरह की और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर मैं फिर से आपके सामने आऊंगा। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।